शुरू करें? बड़ा यस सर, सन्नाटा है, मैं यस सर, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट था, उसके मैंने केवल फैक्ट्स आपको बताए हैं। और अगर हर एक जो कि एग्जाम के लिए केवल इम्पोर्टेंट है, आई एम इवन नॉट सेटिस्फाइड टू डील विद दिस लाइक दैट, ये मेरा मेथड नहीं है पढ़ाने का, बट हमने सोचा कि अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, सो आई जस्ट ट्राइड टू फेच आउट द फैक्ट्स ओनली। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एग्जाम के बाद में पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, ओके सर। ओके। नाउ दिस पर्टिकुलर पोएम इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन फिलोसफी, दैट इज विष्णु पुराण। विष्णु पुराण आपने हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने नाम जरूर सुना है। विष्णु पुराण में एक जो ये वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, मैत्रेय, ऐसा कोई भी वर्ड संस्कृत में या हिंदी में है नहीं अभी तक, लेकिन ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है मैत्रेय। इस उसके जगह पे जो जैसे रियल जो वर्ड है वो है मैत्रीय। हमें जो द रियल वर्ड इज मैत्रीय। मैत्री वॉज वन ऑफ द करेक्टर एंड द नेम ऑफ हिज गुरु वॉज परसार। अगर इसमें इसका जो बैकग्राउंड है मैं आपको बता दूं कि देयर इज द डिस्कशन ऑफ मैत्रीय एंड परसार हिज गुरु अबाउट द मटेरियल गेन, गी ग्रीट ग्रीड एंड स्पिरिचुअलिटी। जो मैत्रीय है वो अपने गुरु से पूछता है कि ये ग्रीड क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मटेरियलिज्म क्या है। उसके रेफरेंस में उनके जो गुरु हैं उन्होंने विष्णु पुराण का, अगर कभी आपको मौका लगे तो देखें, उनके जो गुरु हैं ही जस्ट गिव वन रेफरेंस ऑफ अर्थ सॉन्ग। एक अर्थ सॉन्ग इसमें आपको मिलेगा, वो एग्जाम के लिए दैट इज द अल्टीमेट पीस ऑफ फॉर लाइफ एंड दैट इज ऑल्सो द अल्टीमेट पीस फॉर योर एग्जाम टू। इसमें जितने इंपॉर्टेंट लाइन में बोलता भी जाऊंगा, खास करके जो अर्थ सॉन्ग है उसको सुनने के बाद में क्या रिएक्शन होता है एक राजा का, वो चीज है ही जस्ट गिव वन रेफरेंस ऑफ अ किंग, दैट हाउ द किंग वॉज मैड फॉर हिज लैंड, हाउ ही वॉज थिंकिंग दैट एवरीथिंग दैट आर देयर इन द वर्ल्ड इज हिम इज हिज, बट इन फैक्ट नथिंग वॉज परमानेंट। कोई भी चीज जिंदगी में परमानेंट नहीं है, ये फीलिंग आती है जैसे कि बैराग्य हो जाना। ये पोम ऐसा है कि इसको अगर दिल पे लगा लिया जाए तो आज ही बैराग्य हो जाएगा, लेकिन द रियलिटी ऑफ द लाइफ दैट वी कैन नॉट एस्केप आवर सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फैमिली और विद द सोसाइटी टू। तो ये जो पोम है एक विष्णुपुर, इसका इसका जो स्टोरी है कि ये कैसे विष्णु पुराण से रिलेटेड है, इसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा कि व्हेन ही वाज ए ही वाज स्टूडेंट, ही रेड विष्णु पुराण एंड टुक सम पार्ट्स ऑफ द विष्णु पुराण एंड पब्लिश्ड इट वन ऑफ हिज जर्नल्स। और उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में क्या हुआ कि ही रोट अ पीस ऑफ द लिरिक्स विद द नेम ऑफ हमात्रिया, और वही हमात्रिया विष्णु पुराण का पार्ट है। इसी वजह से माना जाता है कि ये विष्णु पुराण का पार्ट है। इसमें लिरिक्स हमात्रिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1847, 1847 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था, एंड इट वाज इंक्लूडेड लेटर इन सिलेक्टेड पोएम्स इन 1876। इमर्सन टुक इंटरेस्ट इन हिंदू स्क्रिप्चर्स इन हिज हार्वर्ड डेज। जब वो हार्वर्ड में पढ़ता था तो उसको बड़ा इंटरेस्ट था हिंदू मिथोलॉजी को पढ़ने के लिए। ही स्टडीड मनु, विष्णु पुराण, द भगवत गीता एंड कथा उपनिषद। दिस पोएम वॉज बेस्ड ऑन एन एपिसोड ऑफ द विष्णु पुराण दैट इमर्सन कॉपीड इन टू हिज जर्नल्स इन 1845। चोरी किया इन्होंने 1845 में, या इंस्पायर्ड हुए जो भी हम बोल सकते हैं, और उसी को बाद में पोम के फॉर्म में लिखा गया। लेटर ही थॉट दैट देयर कैन बी वन राइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट चूंकि कल्चर का अंतर है, संस्कृत का वर्ड मैत्रीय था, एक मैत्रीय करेक्टर है जो अपने गुरु परसार से बातचीत करता है, तो उसको उन्होंने
टाइटल दे दिया हमात्रेय। सो हमात्रेय इज नॉट द रियल टाइटल, इनफैक्ट इट इज जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में अभ्रंश हो जाना, यानी कि होता कुछ है और बोल कुछ और देते हैं। जैसे हम सेठ बोलते हैं, लेकिन सेठ का जो सही वर्ड है वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इज द रियल वर्ड, लेकिन हम उसको सेठ सेठ कहना शुरू कर देते हैं। सो वन पर्टिकुलर वर्ड इज नॉट इन रियल एग्जिस्टेंस। ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि रियल में कुछ और हैं, हम कहते कुछ और हैं। किसी किसी जगह का नाम कुछ और है और हम कहते कुछ और हैं। तो इसको क्लियर किया गया है कि हमात्रेया वॉज द पार्ट ऑफ द विष्णु पुराण, एंड रिसर्चर्स फाउंड दैट व्हेन इमर्सन वन वॉज देयर इन हार्वर्ड, ही कॉपीड वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द विष्णु पुराण इन हिज जर्नल्स इन 1845 एंड रोट और पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ द पोएम इन द पोएम इन 1847। बाद में 1876 को इसको इसके सिलेक्टेड पोएम्स में भी पब्लिश किया गया है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पोम को पढ़ने के पहले। इस पोम की कहानी भी कुछ ऐसे ही जाएगी कि एक राजा है, देर इज अ किंग हु इज वेरी प्राउड ऑफ हिज लैंड, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिज जनरेशन। ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज ऑफ इज परमानेंट फॉर हिज जनरेशन, हिज कमिंग जनरेशन। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि ही वॉज जस्ट पासिंग बाई थ्रू सम प्लेसेस एंड हर्ड द सॉन्ग ऑफ अर्थ, एंड आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग ऑफ अर्थ ही जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग, ही लॉस्ट ऑल हिज एवरीज ग्रीड एंड बिकम वन ऑफ द पर्सन फिल्ड विथ विजडम। उसको लगा कि वो अब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वही जो एपिफेनी की बात होती है सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं पर होती है। अब इस पोम में हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, ऐसे है। शुड बी स्टार्ट नाउ? शुड बी स्टार्ट नाउ? हमारी यस ऑडिबल? सर, यस सर, प्लीज। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं, और लाइन बाय लाइन में जो इंपॉर्टेंट लाइंस होगी वही बताते जाएंगे। सबसे पहले हम पहला इसका स्टैंजा पढ़ते हैं। यह है, बल्कले हंट विलर्ड होस्मर मेरियम फ्लिंट पजेस्ड द लैंड विच रेंडर्ड टू दियर टॉयल, हे कॉर्न रूट्स हेम्प फ्लैक्स एपल्स वूल एंड वुड। देर आर सम नेम्स दीज, अगर हम इंडिया में होते तो कहते राम प्रसाद या अभिषेक या साजिद या उदिता या रवि या अरुण, किसी का भी नाम ले सकते थे। चूंकि ये एमर्सन ने लिखा है तो उन्होंने कुछ लोगों का नाम ऐसे ले लिया है कि बल्कले हंट विलर हॉस्मर मेरियम फ्लिंट पजेस द लैंड विच रेंडर टू दियर टॉयल, दैट वॉज दे वर द ओनर ऑफ द लैंड। ये कुछ नाम बताए गए हैं, दे वर द ओनर ऑफ द लैंड एंड दियर लैंड वर फिल्ड विद, किन किन चीजों से वो लैंड भरा हुआ था? हे कॉर्न रूट्स हेम्प फ्लैक्स एप्पल्स वूल एंड वुड्स। वो दैट वॉज रिच एनफ, दैट हैज ऑल द दैट लैंड हैज ऑल द राइटनेस, दैट इट वॉज फर्टाइल एनफ, इतना ज्यादा वो उपजाऊ था कि और इवन ऑल ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन लाइक हे कॉर्न रूट्स हेम्प फ्लैक्स एप्पल्स एवरीथिंग वर देयर, वो इन चीजों के मालिक थे। एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। आप इसमें अर्थ सॉन्ग याद रखिएगा कि किस तरह से सारी चीजें बाद में मेंशन की जाएंगी, ये रेफरेंस भूलना नहीं है। ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड वॉक अमेडिस्ट हिज फॉर्म सेइंग, जैसे कि हमारे पास कोई जमीन पड़ी हो, हमारे पास कोई बगीचा हो, हमारा कोई लैंड हो, तो हम उसके आसपास से गुजरते तो कहते नहीं वो देखो मेरा वो वाला प्लॉट है, वो वाला मेरा घर है, वो वाला मेरा खेत है। तो वही कंडीशन बताया गया है। ईच ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स ऑल द जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वॉक अमेडिस्ट हिज फॉर्म, दे वर जस्ट वॉकिंग अराउंड देयर फॉर्म एंड सेइंग दिस माइन माई चिल्ड्रंस एंड माई नेम्स, दिस पर्टिकुलर लैंड इज माइन, ये मेरा लैंड है, माई चिल्ड्रन से मेरे बच्चों का है, मेरे कमिंग आने वाले जनरेशन का है, एंड माई नेम्स, इट मीन्स दे आर मेकिंग पोजिशन, दे आर वेरी प्राउड। इवन टूडे किसी शहर में किसी का प्लॉट हो तो बड़े शान से बोलता है
कि ये वाला देखो, ये जो प्लॉट है ना, ये मेरा इसके बगल से होकर के जाता है, इसके पेट्रोल पंप है इधर, एक ये वाला रोड है, इससे वो वाला रोड जाता है। सो सेम कंडीशन कि ऑल द लैंडलॉर्ड्स आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंड एंड ऑल द फर्टाइल थिंग्स दैट आर देयर, बहुत ही ज्यादा उनको प्राउड होता है। हाउ स्वीट द वेस्ट विंड साउंड्स इन माई ओन ट्रीज, जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, कहते हैं हाउ स्वीट द वेस्ट विंड साउंड्स इन माई ओन ट्रीज, कितना मधुर है, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ हाउ म्यूजिकल द वेस्ट विंड इज, यानी कि जो हवाएं हवाएं चल रही हैं, वेस्ट विंड चल कितना है वो मेरे ट्रीज पे, और इन माई ओन ट्रीज, ये मेरा अपना पेड़ है, इसके थ्रू होकर के जो हवाएं जाती, कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं। हाउ ग्रेसफुल क्लाइम दोज शेडोज ऑन माई हिल, दे आर टॉकिंग अबाउट द हिल, कि द शेडो दैट इज बीनीथ द हिल, जो जो एक हिल है ना उसके आसपास जो शेडो है कितना प्यारा लग रहा है, दैट इज माइंड, इट मीन्स दे वॉन्ट टू शो दैट हाउ रिच दे आर, आई फैंसी दीज प्योर वाटर्स एंड द फ्लैग्स एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, दे आर इन लव विथ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द फ्लैग्स एंड दे द वॉटर दैट वर फ्लोइंग देयर, नो मी एज माई डॉग वी सिंपथाइज, यू नो यू सी दैट डॉग इज द सिंबल ऑफ लॉयल्टी, डॉग इज द सिंबल ऑफ फेथफुलनेस, तो कहते हैं कि इट लुक्स दैट इट इज वेरी फेथफुल टू मी, सिंपथाइजिंग दैट इट इज लाइक माई डॉग, इट मीन्स इट ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द लैंड, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी close to me and they are as close as my dog to me and I affirm my action smack of the soil, इसमें जो smack of the soil इस्तेमाल किया गया है, it shows the it is in fact when somebody has deep relationship, when somebody feels a lot, when says smack of the soil, so कहते हैं and I affirm and I clear it my actions smack of the soil, it means this is very dear to me as my dog's dear to me as the land is very close to my heart and it is mine, वो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पैराग्राफ, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है कि कुछ नाम दिए गए हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं, चलते हो एक लैंड है, एक पार्ट ऑफ द लैंड है, वो उस पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, जैसे उसको उसका जिक्र कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेइंग दैट दिस माइंड माई चिल्ड्रंस एंड माई नेम्स, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ ट्रीज तक लेकर, दिस माइंड माई चिल्ड्रन माई नेम, दिस पर्टिकुलर वन, दिस माइंड माई चिल्ड्रन एंड माई नेम्स, हाउ स्वीट द वेस्ट विंड साउंड्स इन माई ओन ट्रीज, दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स दे आर शोइंग पोजिशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये पहला पैराग्राफ, ये पहला स्टेंजा है हमारे पोएम का, इफ यू फील द थिंग इज ओके और यू कैन, इफ यू विश टू हैव सम क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या चीजें क्लियर हैं? यस सर, इसमें कोई क्वेश्चन अगर या कोई चीज ना समझ में आई हुई हो किसी को भी, तो आई कैन ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। बड़ा आसान सा भी है कि कुछ नाम दिए गए हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, वो जमीन पर अपने हक को जता रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट अभी आगे इसका हम रेफरेंस पाएंगे कि कैसा है। दूसरे स्टेंजे पे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा है, वेयर आर दीज मेन असली बीनीथ दियर ग्राउंड्स एंड स्ट्रेंजर्स फॉन्ड एज दे दियर फ्यूरोज प्लॉ, वेर, दूसरे दूसरे लाइन में सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया उन सारे लोगों के बारे में जिस पे डिस्कशन किया गया था कि ये इनका लैंड है, कहते हैं वेर आर दीज मैन, इट शोज दैट दीज मैन आर नो मोर नाउ, दे आर असलीप बीनीथ दियर ग्राउंड, इट मीन्स द ग्राउंड दैट दे वर जस्ट शोइंग इट इज देयर ग्राउंड, इट इज देयर लैंड, नाउ दे आर बीनीथ द ग्राउंड, इट मीन्स दे आर डेड, और अब क्या हो रहा है, एंड स्ट्रेंजर्स फाउंड एज दे एंड ऑल द न्यू जनरेशन, यू कैन से द स्ट्रेंजर्स आर कमिंग एंड दे आर मेकिंग यूज द फ्यूरो फ्लो, इतने जैसे जो खेती करने के लिए नालियां बनाई जाती हैं, पानी बहने के लिए नालियां बनाई जाती है, ये ये वही चीज इसमें बताया गया है, फ्यूरो फ्लो यानी कि खेत को जोतना, सो दे आर मेकिंग देयर
द स्ट्रेंजर्स आर नाउ मेकिंग दियर टॉयल ऑन दैट सेम लैंड, जिस जमीन के बारे में लोग बात कर रहे थे कि ये मेरा है, ये मेरे बच्चों का है, मेरे नए जनरेशन का है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आया सेकेंड जनरेशन में। परासार और मैत्रेय की बातचीत हो रही है, इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि विष्णु बात कर रहे हैं, अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग जगह पर है, लेकिन आप दिमाग में रखिए परासार एंड मैत्रेय आर टॉकिंग। कहता वेयर आर दे, वेयर आर दीज मैन, यहाँ पे एक सेंस तीसरा भी है कि अर्थ जो है खुद पूछ रहा है। जब आप लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी, वेयर आर दीज मैन, वो मैन कहाँ है, असलीफ बीनीथ देयर ग्राउंड, इट मीन्स दे आर डेड नाउ, एंड एंड स्ट्रेंजर्स फाउंड एज दे, और स्ट्रेंजर्स आर वर्किंग नाउ, इट इज देयर लैंड, इसे अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स टू सी हर बोस्टफुल बॉयज, नाउ अर्थ इज लाफिंग, अर्थ इज मेकिंग लाफ और मेकिंग फन ऑफ दोज लैंडलॉर्ड्स, वो जो पुराने लैंडलॉर्ड्स थे उनके सही लोगों का मजाक उड़ा रही है, ऐसा लग रहा है। इट इज लाफ्स इन फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर बिकॉज अर्थ इज परमानेंट, अर्थ को कोई मिटा नहीं सकता, एंड अर्थ इज परमानेंट, टू सी हर बोस्टफुल वॉयज, इट मीन्स ऑल द ह्यूमन आर द बोस्टफुल, ऑल द ह्यूमंस आर द चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ, जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे उसके बच्चे ही हैं, लेकिन जो ये क्लेम करता है कि उसकी जमीन है, या जो क्लेम कर रहा था जब उनके डेथ हो गई, तो पृथ्वी जो है अर्थ है वो हंस रही है, अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स, शी इज लाफिंग इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर टू सी हर बोस्टफुल बॉयज, उनको देख करके उसको बड़ी हंसी आती है, अर्थ प्राउड प्राउड ऑफ द अर्थ, यू सी अर्थ प्राउड प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज नॉट देयर्स, यू सी देवर प्राउड ऑफ द लैंड, दे वर प्राउड ऑफ द पीस ऑफ द लैंड दैट दे इट इज देयर, बट इन फैक्ट होता क्या है कि जो उनका नहीं है उसके लिए उन्होंने ये प्राउड किया, अर्थ प्राउड प्राउड ऑफ द अर्थ विच इज नॉट देयर्स, जो उनका था ही नहीं, इट मीन्स लाइफ इज नॉट परमानेंट, लाइफ इज टेम्पररी, एंड पीपल आर मेकिंग पोजिशन ऑन सम प्रॉपर्टी, उस पे अर्थ को बोला गया है कि अर्थ इज लाफिंग, अर्थ को बड़ी हंसी आ रही है कि जो उनका है ही नहीं उसके लिए इतना ज्यादा बोस्टफुल होना, इतना ज्यादा प्राउड होना, इट इज नथिंग। नाउ यू सी हु स्टीयर द प्लाउ बट कैन नॉट स्टीयर देयर फीट, यू सी स्टीयर इज द वर्ड वेयर समबडी इज मेकिंग अ पास फॉर वाटर, या इसको कहते हैं खेत को जोत दिया गया, पानी के लिए जगह बना दिया गया, हु स्टीयर द प्लाव, जिन्होंने क्यारियां, जिसको क्यारी बोलते हैं इनफैक्ट, हु स्टीयर द प्लाव, दो दे आर स्टीयरिंग द प्लाव बट कैन नॉट स्टीयर देयर फीट, बट दे कैन नॉट सी देयर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर को कभी नहीं देख सकते, क्लियर ऑफ द ग्रेव दैट इज वेरी क्लियर, इनफैक्ट द नियर द सेम ग्राउंड, द सेम ग्राउंड वेयर दे आर मेकिंग प्लाव, द सेम ग्राउंड वेयर दे आर फार्मिंग इज द प्लेस दे विल बी बरीड आफ्टर देयर डेथ, सो दिस इज द रेफरेंस ऑफ द अर्थ, दिस इज द रेफरेंस ऑफ द अर्थ इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनिफिकेशन, इसमें अर्थ का पर्सनिफिकेशन भी होगा, जब अर्थ खुद गाना गाना शुरू करेगी देयर द अर्थ सॉन्ग। तो ये हमारा सेकेंड स्टेंजा है, कि पहले स्टेंजे को रिलेट करता हुआ है इसमें कि हाउ पीपल वर बोस्टिंग अबाउट देयर प्रॉपर्टी बट नाउ नथिंग इज लेफ्ट एंड नो वन इज लेफ्ट, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट दैट इज परमानेंट, द सेम लैंड एंड अदर जनरेशन और स्ट्रेंजर्स आर प्लॉइंग द अर्थ, ये सेकेंड स्टेंजा का है। इसमें इफ यू फील टू पुट एनी क्वेश्चन और टू गिव एनी व्यूज, यू आर वेलकम। आर यू लिसनिंग, आवाज आ रही है? यस सर, कोई क्या आगे बढ़ता जाऊं? इसमें कुछ यस सर, इसमें सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो फंसाने वाली हो, बहुत ही सही शब्दों में चीजें बता दी गई हैं। नाउ थर्ड स्टेंजा की तरफ हम मार्च करते हैं।
थर्ड यस सर, स्टेंजा जो आपका ब्लू में आपको दिख रहा होगा, पढ़ते हैं। दे एडेड रिज टू वैली, ब्रूक टू, सॉरी हाँ, ब्रूक टू पॉन्ड एंड साइट फॉर ऑल द बाउंडेड साइट फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन। दे का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात की गई है। दे एडेड रिज, यू सी रिज इज इन फैक्ट, व्हाट इज अ रिज? इट इज लाइक अ हिल टॉप, आर्टिफिशियल हिल टॉप। दे एडेड रिज टू वैली, इट मीन्स दे वेल्ड रिज, एक हिल टॉप बना दिया उन्होंने वैली में। ब्रुक टू पॉन्ड, एक स्ट्रीम, आर्टिफिशियल स्ट्रीम भी बना दिया, यानी कि जितना ब्यूटीफुल चीजें वो क्रिएट कर सकते थे अपने लैंड पे किया या आसपास जो है। एंड एंड साइट फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन, एंड दे वर ऑल्सो फीलिंग सेम, दे आर ऑल्सो फीलिंग अ पोजिशन विच इज ब्यूटीफुल अराउंड देम। इट मीन्स फॉर ब्यूटिफिकेशन ह्यूमन हैज एडेड रिज, इट मीन्स हिल टॉप ऑन द वैली एंड अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम टू द पॉन्ड। एंड जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं फाउंटेन होता है बहुत जगह पर, आर्टिफिशियल रिज बनाया गया है कुछ बड़े बड़े होटल्स में, कि वहाँ पे हिल टॉप होटल्स में खुद बना दिया गया, झरने बना दिए गए। तो दीज थिंग्स आर वेरी आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली उसकी बात नहीं हो रहा है कि माउंटेन्स में पीपल आर मेकिंग हिल टॉप, जैसे हम हिल स्टेशन पे विजिट करने जाते हैं, और पॉन्ड्स, फ्रेश पॉन्ड या फ्रेश स्ट्रीम ऑफ द पॉन्ड बना दिया गया। एंड साइट फॉर ऑल दैट बाउंडेड देयर डोमेन, एंड दे आर टेकिंग अ साई, दे आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ विद फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर अराउंड देयर डोमेन, यानी कि उनके जमीन यानी उनके लैंड के पास में जो भी चीजें हैं उसकी सुंदरता पे बहुत सारी बात करते हैं। कैसे करते हैं? दिस स्वीट्स दिस दिस सूट्स मी फॉर ए पास्चर दैट्स माई पार्क। इट मीन्स पास्चर इज जैसे इसको पोस्चर के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे पास्चर है ऑल द लैंड विच इज ग्रीन, जो एक लैंड हो जो ग्रीन पड़ी हो, यानी उसमें थोड़ी सी सुंदरता दिख रही हो ग्रीनरी की वजह से। तो ये इसमें बोला गया है, दिस सूट्स मी फॉर अ पास्चर दैट्स माई पार्क। इट इज लाइक द पार्क, इट इज लाइक द ब्यूटिफुल, इट इज लाइक द ब्यूटिफुल पोर्सन ऑफ द लैंड। कहते दिस स्वीट्स मी फॉर अ पास्चर दैट्स माई पार्क। इनफैक्ट जैसे कि आजकल अपने घरों में भी छोटा मोटा पार्क बना लेते हैं, कल हमने बात किया था कि एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अपने घर में पार्क बना लिया क्योंकि हमको अच्छा लगता है। तो सेम इज द कंडीशन कि उस लैंड में उनका जो एक बड़ा सा चारागाह कर सकते हैं आज के पार्ट में, या बोल सकते हैं एक लैंड है दैट इज फिल्ड विद ग्रीनरी, दे से इट इज लाइक देयर पार्क। वी मस्ट हैव, अब उसको और बेहतर बनाने के लिए, या आ घर में, या सपोज करिए पीपल आर ट्राइंग टू गेदर ब्यूटीफुल थिंग्स एट देयर होम, एट देयर रेजिडेंशियल पार्क, को क्या क्या इकट्ठा करता है, तो वही है कि वी मस्ट हैव क्ले, लाइम, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लेज एंड मिस्टी लो लैंड वेयर टू गो फॉर पीट। ये बड़ी प्यारी लाइन है, आज जैसे लगता है कि आज की बात हो रही है पीपल। एंड उसके बाद में क्या है कि दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द क्ले, द गुड क्ले, यानी कि ऐसी उपजाऊ, द उपजाऊ क्ले हो, मिट्टी हो, दैट कैन बी दैट इज फर्टाइल एनफ। एंड यू सी लाइम, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लेस एंड मिस्टी लो लैंड वेयर टू गो फॉर द पीट। ये पीट वर्ड आपने उपले अगर देखे होंगे तो वही इसका मीनिंग है। पीट दो काम आते हैं उपले, एक तो आग के लिए काम आते हैं, किसी जैसे हमारे गांव में कंडा बोला जाता है उसको, कंडौरी, यहाँ पर उसको उपले बोले जाते हैं, और दूसरा उसी उपले का खाद बनाया जाता है ऑर्गेनिक। तो कहते हैं फॉर दे वर इज एंड मिस्टी लो लैंड वेयर टू गो फॉर द पीट, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पीट फॉर गिविंग सम नेसेसरी मिनरल्स और द एलिमेंट्स टू देयर लैंड, जिससे कि वो और ज्यादा उपजाऊ हो जाए। सो द लैंड इज वेल लाइज फेरी टू द साउथ, और क्या, और किस तरह से बात कर रहे हैं, हाउ डज दे टॉक अबाउट द लैंड? कहते हैं द लैंड इज वेल
जैसे कहते हैं ना कि सी फेसिंग है, उसी तरह से दे आर प्रेजिंग द लैंड इज वेल लाइज फेरी टू द साउथ, साउथ से बड़ा सुंदर लगता है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये पूरा का पूरा फिर से एक डिस्कशन किया गया है इस वाले स्टेंजा में, ध्यान दीजिएगा। अगेन द फीलिंग ऑफ ह्यूमंस और द लैंड लॉर्ड्स आर डिस्कस्ड कि हाउ डू समवन फील्स अबाउट हिज लैंड्स, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द लैंड। यही इस स्टेंजा का पर्टिकुलर फ्रेम है जिसमें शुरुआत हमने करी है, इसमें यहाँ तक पहुंचे हैं। द लैंड इज वेल लाइज फेरी टू द साउथ, साउथ की दिशा से बहुत ही सुंदर दिखता है। दिस गुड व्हेन यू हैव क्रॉस द सी एंड द बैक टू फाइंड द स्टेडफास्ट एंकर्स वेयर यू लेफ्ट देम। इट इज अगेन वन ऑफ दिस गुड व्हेन यू हैव क्रॉस द सी एंड बैक टू फाइंड द स्टेडफास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम। इट मीन्स इट इज अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल, दिस वन इज अगेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द लैंड, दैट वेन यू क्रॉस थ्रू द सी यू कैन फाइंड वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लैंड, इट इज स्टेडफास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम। इट मीन्स वेन यू सी इट, दिस इज द सेंटर, वन समबडी इज प्रेजिंग दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्यूटी, वेन ही कलेक्ट्स ऑल द थिंग्स, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड को सुंदर बनाने के लिए या उसकी उसके ऊपर आदमी किस तरह से फिदा है। हाउ हाउ वी फाइंड ऑल द इमेजिनेशन ऑफ अ पर्सन इज सेंटर्ड टूवर्ड्स अ लैंड, ये हम तब महसूस करते हैं जब हमारे पास कोई घर हो या हमारे पास कोई लैंड पड़ी हो। तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारा बात करते हैं उसके रिगार्डिंग, यही डिस्कस किया गया है। मैं एक बार फिर से इसको रिकैप कर रहा हूँ। दे एडेड रिज टू वैली, ब्रूक टू पॉन्ड, ये एक ह्यूमन की बात हो रही है कि किस तरह से वैली के में रिज यानी कि हिल टॉप डिस्कस हिल टॉप बना दिया गया, ब्रूक टू द पॉन्ड की फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में बनाए गए, एंड साइट फॉर ऑल द बाउंडेड देयर वुमेन्स एंड दे आर मेकिंग अ डीप साई डीप ब्रेथ दैट व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर अराउंड एंड हाउ डज दे टॉक, दे सेड दिस सूट्स मी फॉर अ पोस्चर दैट्स माई पार्क, ये दे आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज ग्रीन एनफ एंड से दिस इज देयर पार्क, वी मस्ट हैव क्ले लाइम ग्रेवल एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू अरेंज द थिंग्स दैट कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल लाइक क्ले लाइम ग्रेवल ग्रेनाइट लेस एंड मिस्टी लो लैंड एंड दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर द पीट फॉर मेकिंग इट मोर फर्टाइल, वेयर टू गो फॉर पीट, इट मीन्स पीट कहाँ पा सकते हैं। ये यहाँ पे चूंकि लैंड की बात हो रही है इसलिए फर्टिलाइजेशन की तरह ही काम होगा। द लैंड इज वेल, कहते हैं द लैंड इज, अब उसके दूसरे इतनी तो बात कर ली, अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ द लैंड एंड इट्स ब्यूटी। यहाँ से द लैंड इज वेल के बाद में द लैंड इज वेल लाइज फेरी टू द साउथ, कहते हैं वेन वी सी इट फ्रॉम द साउथ साइड इट इज वेरी वेल, इट इज प्रेटी एनफ। नेक्स्ट थिंग लास्ट कपलेट, दिस गुड वेन यू हैव क्रॉस द सी एंड बैक टू फाइंड द स्टेडफास्ट एकर्स वेयर यू लेफ्ट देम। दे आर टॉकिंग अबाउट द सी एरिया, द कॉर्नर एरिया वेन पीपल आर जस्ट पासिंग बाई एंड एवरी थिंग मेक्स इज ब्यूटिफुल इन अ होल। इट मे दिस इज गुड वेन यू हैव क्रॉस द सी, वेन यू आर पासिंग थ्रू द सी इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड बैक, और पीछे की बात करते हैं, टू फाइंड द स्टेडफास्ट एकर, इट मीन्स द ब्यूटीफुल कॉर्नर ऑफ द एकर वेर यू लेफ्ट देम, और जहाँ पर आप छोड़ते हैं इट इज ऑल्सो द ब्यूटीफुल ऑफ द लैंड। सो ये तीसरा स्टेंजा है। आई थिंक दैट दिस वन इज कंप्लीटेड नाउ। तीसरे स्टेंजा में अगर आपको कुछ ऐड करना हो यू आर मोस्ट वेलकम, एक बार हाँ या ना कर दीजिए जिससे मुझे लगे कि आई एम नॉट ऑफलाइन। यस सर, आगे बढ़िए, ठीक है सर। हाँ, आई एम नॉट ऑफलाइन सो दिस इज गुड एनफ। पता चले कि मैं बोलता चला जाऊं और आखिरी में पता चले मैं ऑफलाइन हो चुका था। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर, यस सर। क्योंकि प्लीज डोंट बी जस्ट सबमिसिव कि ये चीज चल रही है और चलो निपटा देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एंड आई एम हियर टू आंसर इट। सो तीसरा स्टेंजा पूरा हो गया, चौथे पे चलें।
कैन बी यस मूव. सर ओके, चौथा स्टेंजा है, और इनफैक्ट द फोर्थ स्टेंजा इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द हॉट ओनर, इसमें जो हॉट ओनर की बात की गई है उसको मैं डिफाइन करूंगा थोड़ा अच्छे से. द हॉट ओनर सीज नॉट डेथ हु एड्स हिम टू हिज लैंड अ लंप ऑफ माउल्ड द मोर हेयर वॉट द अर्थ सीज. यू सी देयर इज एक्सक्लामेटरी मार्क. द हॉट ओनर, इसमें जो हॉट ओनर की बात की गई है, हॉट वर्ड ही क्यों लगाया गया है, इट इज द सिंबल ऑफ द ग्रीड. इट इज समथिंग दैट शोज द ग्रीडी नेचर ऑफ लैंड लॉर्ड. कहता है द हॉट ओनर सीज नॉट डेथ हु एड्स. इट मीन्स द पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट द लैंड, अबाउट द प्रॉपर्टी, ऑल द रिचनेस इज नॉट एबल टू सी द डेथ दैट इज बिहाइंड हिम. इसमें एक बात और ऐड करेंगे कि द वी आर टॉकिंग अबाउट द विष्णु पुराण, तो यहाँ पे जो हॉट ओनर है वो किंग भी है. वो वाला राजा है जिसने जिसको बड़ा घमंड था कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं. विष्णु पुराण का जो कॉन्सेप्ट 1845 में पब्लिश हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब एमर्सन थे, तो उसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट द किंग एंड द हॉट ओनर. इट मीन्स द किंग और द आप या कैसे इसमें लैंडलॉर्ड भी जोड़ सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से. तो ही इज वेरी प्राउड. इट इज अ साइन ऑफ पेन टू द पर्सन हु हैज रियलाइज्ड दैट डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ. कहता हु एड्स हिम टू हिज लैंड अ लंप ऑफ माउल्ड द मोर. इट इज लाइक अ लंप ऑफ माउल्ड, जैसे जब ग्रेव मिट्टी में दफना. दो इसके दो रीजन हैं, मिट्टी का लोला अगर इस हिंदी जानना चाहेंगे, लंप ऑफ माउल. लेकिन इसका जो सिंबोलिकल मीनिंग है, अगर किसी को दफना दिया जाता है तो उसके ग्रेव के ऊपर में एक माउल, यानी कि जैसे सांचा नहीं होता वैसा बन जाता है. ग्रेव का साइज हम लोगों ने देखा ही है. तो हिम टू हिज हु एड्स, हु इज द पर्सन हु कैन मेक हिम अंडरस्टैंड व्हेन समबडी इज इन प्राउड, व्हेन समबडी इज इन ईगो, व्हेन इज सम व्हेन समबडी इज इन फुल pride and ego about the all the richness, all the material things who has. जब हमारे पास material thing इतना ज्यादा होता है तो इतना नशा होता है बहुत लोगों को कि उनको समझा पाना मुश्किल ही नहीं, it is next to impossible. तो कहते हैं who adds him to his land, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके लैंड को कौन क्या ऐड करेगा. A lump of mould, it means this is just his graveyard is only the place who can just stay beneath the earth, hear what the heart maul the moor and nothing more than that. yani ki itna sab kuch lalach karne ke baad mein jo king hai, the hot greed ya the owner hai, the landlord hai ya common people hai, there is nothing, only one thing is permanent, that is death. and after the death there will be one part, he is like a piece of soil. Is like a lump of mound. So that is all in Hamatriya, but the real Hamatriya starts with the earth song. क्योंकि अब earth एक earth is talking. There is dear earth song. It means earth is talking for everything in the next paragraph. It is just now earth is not. The abstract thing, the earth is not the dead thing. It is talking like some live thing. इसको हम जब किसी निर्जीव को when some dead thing is considered as considered that it is in life, तो उसे क्या बोलते हैं, personification ही बोलते हैं ना. साजिद जी उदिता मैम आर यू देयर. यस सर. So I think that earth is personified now. Next जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये stanza number 5 है, in fact is stanza number 1st in earth song. That is very important for your exam too. क्योंकि इसमें से last line, last चार line तो important है ही,
साथ में इसका पूरा का पूरा बड़ा आसान सा है, सारे इंपॉर्टेंट है। माइन एंड योर्स अर्थ इज सिंगिंग एंड द किंग इज जस्ट पासिंग बाई। रियल जो विष्णु पुराण है वो यहीं से शुरू हो रहा है। किंग इज पासिंग बाई नाउ एंड अर्थ इज सिंगिंग। क्या गाना गा रही है अर्थ? माइन एंड योर्स, माइन नॉट योर्स, अर्थ एंड्योर्स, स्टार्स अबाइड। यू सी दैट अर्थ इज इन माइंड एंड योर्स, मेरा और तुम्हारा, माइंड नॉट योर्स, अर्थ इंड्योर्स। अर्थ इज मेकिंग एम्फेसिस दैट एवरीथिंग इज माइंड नॉट योर्स। स्टार्स अबाइड, शाइन डाउन इन द ओल्ड सी, ओल्ड आर द शोर्स बट वेयर आर ओल्ड मैन। ही से अर्थ इज सिंगिंग दैट ओके जस्ट सी द ओल्ड शोर, द ओल्ड सी, यू कैन सी इट, द सी इज स्टिल दियर, द शिशोर इज स्टिल दियर, बट वेयर आर द ओल्ड मैन, नो बडी इज दियर, एवरी वन हैज डाइड, सभी लोग वैनिस्ड हो चुके हैं। शाइन डाउन इन द ओल्ड सी, ओल्ड आर द शोर्स बट वेयर आर द ओल्ड मैन। अर्थ इज मेकिंग क्वेश्चन दैट ओल्ड मैन आर नॉट देयर, इट मीन्स एवरीथिंग इज परमानेंट एंड आई एम नॉट ऑफ एनी वन, मैं किसी की नहीं हूं, मैं अपनी खुद की हूं, एंड यू आर माइन, आई एम नॉट योर्स। इनफैक्ट अर्थ यही कहना चाह रही है जो नेक्स्ट लाइन के थ्रू हम देखेंगे। आई हु हैव सीन मच, सच हैव आई नेवर सीन, द लायर डीड रैन श्योर इन टेल। यू सी टू देम एंड टू देयर हेयर्स हु शैल सक्सीड विदाउट फेल फॉर एवर मोर। इसमें जो सबसे पहला वाला स्टेंजा हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा याद करिए, उस चीज का डिस्कशन किया गया है। अर्थ रेफरेंस दे रही है सच हैव आई नेवर सीन के बाद में, आई हैव सीन मच, सच हैव आई नेवर सीन, इट मीन्स अर्थ इज परमानेंट, शी हैज विटनेस्ड मेनी थिंग बट सच हैव आई नेवर सीन, बट द थिंग्स दैट आर गोइंग, द थिंग्स दैट मैन आर प्राउड इनफ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स शी हैज जस्ट पुट। आगे की बात यही कह रही है कि द लॉयर्स डीड रैन श्योर इन टेल टू हूम, सॉरी टू देम एंड टू देयर हायर्स हु शैल सक्सीड विदाउट फेल फॉर एवर मोर। वेन समबडी इज ट्रांसफरिंग देयर लैंड देन ही नीड्स लॉयर, एंड अर्थ इज डिस्कसिंग द सेम थिंग कि थ्रू द हेल्प, थ्रू द लॉज, मैन हैज ट्रांसफर्ड देयर लैंड टू अदर्स एंड दे हैज ऑल्सो सक्सीडेड विदाउट फेल फॉर एवर मोर। दे मेड देयर हायर्स, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को भी सारी चीजें कर दी, बट हेयर इज द लैंड, वो बात होती, हेयर इज द लैंड सैगी विदाउट वुड विद इट्स ओल्ड वैली माउंट एंड फ्लड बट द हेरिटर्स, जो ये लाइन है, बट द हेरिटर्स, इट मीन्स जो यहाँ से हम डिस्कस करना शुरू किए, द लॉयर्स डीड, इट मीन्स लॉयर्स आर परफॉर्मिंग हिज डीड, रैन श्योर इट वॉज सक्सेसफुल एंड ऑल द थिंग्स वर हायर्ड, इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर फॉर मोर। कहती है लेकिन अर्थ क्या बोल रही है कि हेयर इज द लैंड, लैंड इज स्टिल देयर, शैगी विद वुड, इट मीन्स इट इज शैगी विद वुड, इट इज फिल्ड विद वुड, जंगल से भरा हुआ है, विद इट्स ओल्ड वैली, द ओल्ड वैली इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग बट द हेरिटर्स, वेयर आर द पर्सन हु वर क्लेमिंग दैट दे आर द मास्टर और दे आर द पोजिशन, दे आर द पर्सन हु वर क्लेमिंग अबाउट देयर पोजिशन ऑन दैट, वेयर आर दे? शी जस्ट रिप्लाइंग कि फ्लड लाइक द फ्लड्स फोम, जब एक फ्लड आता है तो उसमें क्या होता है कि उसके फोम निकलते हैं, तो कहती फ्लड लाइक द फ्लड फोम्स दे वर देयर बट दे आर नो मोर बिकॉज दे वर फ्लड लाइक द फ्लड फोम, जैसे कि फोम होता है, जैसे एक झाग होता है, उसी तरह से वो बह गए। द लॉयर एंड द लॉज,
द लॉयर एंड द लॉज एंड द किंगडम। देखिए लास्ट में वर्ड इस्तेमाल किया गया है किंगडम, क्योंकि विष्णु पुराण में राजा की बात हो रही थी। द लॉयर्स एंड द लॉज एंड एंड द किंगडम क्लीन स्वीप हियर फ्रॉम एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ। ऑल द लॉयर्स इवन द लॉयर्स हु वर मेकिंग देयर लॉज विद द रूल्स एंड रेगुलेशन इवन दे आर नॉट देयर एंड द किंगडम दिस इज द क्वेश्चन दैट किंगडम इज स्टिल देयर बट द किंग इज नॉट देयर एंड द लाइन यू विल से कि दे कॉल्ड मी देयर्स। बहुत ही ये जो स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं दे कॉल्ड मी देयर्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पिछले कई सारे एग्जाम में पीजीटी में पूछा गया है। दे कॉल्ड मी देयर्स पूछा जाता है कि लाइन कहाँ से लिया गया है। दे कॉल्ड मी देयर्स हु सो कंट्रोल्ड मी येट एवरी वन विश टू स्टे एंड इज गॉन। हाउ एम आई देयर्स इफ दे कैन नॉट होल्ड मी बट आई होल्ड देम। द अर्थ इज क्वेश्चनिंग दे कॉल्ड मी देयर्स दे वर। एक्सक्यूज मी यस सर। अभिषेक सर जी मैम द लाइंस आर नॉट क्लियर। द लाइंस आर नॉट द लाइंस आर नॉट क्लियर। ओके इट इज इन द ओके आई हाउ कैन आई मेक इट क्लियर नाउ फॉर द एक्चुअली द स्क्रीन इज ब्लर हियर। Is it common with everyone? Yes, sir. You cannot see the last line. Okay, it was. They called me. There is not clear. Sir, जो blue color की lines है वो नहीं दिख रही। अच्छा नहीं दिख रही है। उसके लिए मैं काम कर। Still blur. Still blur. Okay, I can do one thing. I can open the poem online. Just wait. Does it help me? Is it visible now? Can you see it? No, sir. Yes, sir. Here is the land. जहाँ पे मेरा कर्सर अभी आपको शो हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने on Google पे Poetry Foundation से इसको खोला हुआ है. Should I start now? Okay. Yes, sir. They called me theirs, whoso controlled me, yet everyone wished to stay and is gone. The earth is making a sarcastic claim that they called me theirs. It means all the landlord, all the persons who were alive, they were saying that I am theirs. But she says, whoso controlled me. Yet everyone making claim that I have controlled the earth, wished to stay, they wanted to stay forever, and is gone, but they are no more now. How am I theirs? Earth question kar rahi, how I am theirs? How can they possess that I am theirs if they cannot hold me? Agar koi mujhe hold nahi kar saka, if somebody has no power to hold me, then how can they claim that I am theirs? But I hold them. The earth is making a question, there is a complete question mark, but I hold them. It means at the last moment, they were buried in earth. All the landlords, all the king, उनका पूरा का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। लास्ट में क्या होता है कि मरने के बाद में या तो राख के थ्रू जमीन में जाते हैं या तो
जब बरीड कर दिया जाता है तब जाते हैं। लास्ट लाइन, ये जो चार लाइन है, टेक स्क्रीनशॉट, ये जो पूरा दे कॉल्ड मी देयर से लेकर के ग्रेप तक का जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हेन आई हर्ड द अर्थ सॉन्ग, ये जो आई है, आई यहाँ पे दो, देयर आर टू इम्प्लीकेशंस ऑफ आई। वन इज द किंग हु इज रिफर्ड इन विष्णु पुराण, एंड वन इज मैत्रेय हु इज मेकिंग ऑल दीज डिस्कशन विद हिज गुरु परासार। परासार के साथ में जो डिस्कशन कर रहा है उसमें या मैत्रेय हो सकता है, या विष्णु पुराण का जो कंप्लीट है उसमें किंग, जब वो पास कर रहा था एक रास्ते से तो उसने अर्थ सॉन्ग को सुना, तो उसका यह रिएक्शन है। द लास्ट फोर लाइन्स आर द रिएक्शन ऑफ द किंग और द मैत्रेय। व्हेन आई हर्ड द अर्थ सॉन्ग, जब दिस इज द रिएक्शन ऑफ द किंग, दैट व्हेन ही हर्ड द अर्थ सॉन्ग आई वाज नो लॉन्गर ब्रेव, ही फेल्ट दैट ही इज नॉट अ ब्रेव वन, ही इज नॉट द पर्सन हु पजेसेस एवरीथिंग। माय एवरेज कूल्ड, एवरेज द मीनिंग ऑफ द एवरेज, व्हेन समबडी इज इन कंप्लीट इन द क्लच ऑफ ग्रीड, बहुत ज्यादा जब लालच होता है तो उसको बोलते हैं कि समबडी इज इन एवरेज। सो माय एवरेज कूल्ड, ऑल द ग्रीड वर वेव्ड ऑफ, ऑल द ग्रीड वर वैनिश्ड। कब ऐसा होता है? व्हेन ही लिसन और हर्ड अर्थ सॉन्ग लाइक लस्ट इन द चिल ऑफ द ग्रेव। जैसे कि लस्ट इज नॉट ओनली द लस्ट दैट इज बायोलॉजिकल, द लस्ट वर्ड इज वेरी प्रॉम्प्ट हियर। लस्ट मीन्स किसी चीज को पाने की इच्छा रखना, इट मे बी एनी थिंग, इट मीन्स द डिजायर, द लस्ट इन द चिल ऑफ द, लाइक द ऑल द लस्ट, इट मे बी द फिजिकल वन, इट इज द मेटेरियल वन, इट इन द इज लाइक लस्ट इन द चिल ऑफ द ग्रेव, इन द ग्रेव। जैसे जब कब्र में जाने के बाद में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सारा का लस्ट खत्म हो जाता है, सारे के सारे चीजें बेमानी हो जाती हैं, उस समय वाली कंडीशन है जब अर्थ सॉन्ग को सुनता है राजा, कि व्हेन आई हर्ड द अर्थ सॉन्ग आई वॉज नो लॉन्गर ब्रेव, माई एवरेज कूल्ड लाइक लस्ट इन द चिल ऑफ द ग्रेव। सो दीज आर द वर्किंग डेफिनेशन ऑफ और द वर्किंग एनालिसिस ऑफ द पोम। इसको आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि किस तरह से शुरुआत हुआ। यू सी जब हम इस पोएम हमात्रया की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि द बैकग्राउंड, और यू कैन से द हिस्ट्री ऑफ हमात्रया। एमर्सन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर्स, एंड व्हेन ही वॉज इन हार्वर्ड ही जस्ट रेड वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द विष्णु पुराण, एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड पब्लिश्ड इट इन 1845, एंड द सेम कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोम, एंड दिस पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1847, एंड इट ऑल्सो केम इन द लाइट इन 1876 इन द सिलेक्टेड पोम्स। एंड द कॉन्सेप्ट एज वी हैड जस्ट डिस्कस्ड, देर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ किंग इन विष्णु पुराण, व्हेन द किंग वॉज व्हेन द किंग वॉज इन फुल एवरेज, व्हेन ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज किंगडम, व्हेन ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज लैंड। एंड वी ऑल्सो सी दैट देर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ मैत्रिया एंड हमैत्रिया। यू सी द वर्ड हमैत्री इज नॉट देयर, इट इज इन फैक्ट अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज मैत्रेय इज डिस्कसिंग विद परासार, एंड परासार इज ऑल्सो गिविंग द रेफरेंस ऑफ द विष्णु पुराण, एंड दैट विष्णु पुराण इज द डिस्कशन एंड थ्रू विच द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ द विष्णु पुराण इज रिवील्ड इन द अर्थ सॉन्ग, क्योंकि अर्थ सॉन्ग ही जब हम पाते हैं वही रियल उसका कॉन्सेप्ट है। एंड दिस इज ऑल व्हेन वी नोटिस
Excuse me, there is some call. If you don't mind, I'm just coming back. Hello? Yes, sir. Hello? हाँ नमस्ते, बताओ। एक्चुअली मैं क्लास में हूँ, बोलो बेटा। हाँ कुछ कहना था। हाँ मैं एक क्लास को फिनिश करने के बाद में आता हूँ। ठीक है। देर वॉज कॉल फ्रॉम माई लैंड लॉर्ड, उनको कुछ पूछना था। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज डिस्कस्ड नाउ। ये पोम आपको क्लियर है? अगर ना क्लियर हो तो कोई चीज आपको लगती है कि आउट ऑफ द वे है, या आपको आपके पास दूसरे व्यूज हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि आज के लेक्चर में बस इतना ही है। इट्स क्लियर। शालिनी सिंह थैंक यू एंड यू आर वेरी प्रॉम्प्ट टू आंसर इवन। थैंक यू सर। कैन वेलकम। कैन समवन एल्स पुट हिज और हर इनपुट। वेरी क्लियर सर। थैंक यू। सो कैन वी से एड्यू फॉर टुडे? क्या आज के लिए यस सर गुड नाइट हम लोग बोल सकते हैं? चलिए कल कल का कौन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अमेरिकन लिटरेचर का ही नेक्स्ट पोर्शन मैं डिस्कस करूंगा, वो ग्रुप पर आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर पेशेंस टू लिसन मी, एंड वी विल कम बैक सून। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।